अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी आए हैं झंडियाँ लेने, मैं और अहमद। अहमद, कितनी महंगी मिल रही है झंडियाँ? 600। 600 रुपए का एक बंडल दे रहा है जिसमें 20 लड़ियाँ हैं 25-25 झंडियों वाली। तो अब हम दूसरे स्टॉल पर आए हैं, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या रेट है। कितनी महंगी दे रहा? बहुत महंगी है ना। अब हम ये दूसरे स्टॉल पर आए हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे तो मुझे झंडियाँ ही नज़र नहीं आ रही हैं। झंडियाँ है भाई, बस यही है, बाकी ख़त्म। अच्छा, एक तो ये दिखा, ये देखें, ये 30 झंडियाँ भी आई हैं आजकल। इनका क्या करेंगे हम? चलें जी, आगे स्टॉल पे चलते हैं दूसरे। सेकेंड स्टॉल पे गए तो जनाब वहाँ पे झंडियाँ ही ख़त्म हो चुकी थी, और जो थी वो आपने साइज देखा, इत्तू सा। कितना सा था? इत्तू सा साइज था। तो अब हम जा रहे हैं तीसरे स्टॉल पे, अब वहाँ जाके हम रेट देखते हैं वहाँ पे क्या रेट में मिल रही हैं झंडियाँ। मतलब एक पाकिस्तानी अपना घर भी नहीं सजा सकता अब 14 अगस्त पे, इतनी महंगी हो चुकी है ना। हाँ भाई, कितनी महंगी है? 600। देखें ज़रा, 600 रुपये की। हमें एक स्टॉल और नज़र आया है जनाब, वो देखिए। एक नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं, 3-4 स्टॉल हैं। नहीं, 2 ही हैं सिर्फ, सॉरी गलती हो गई। अब यहाँ जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है और कितने कितने का मिल रहा है। जनाब, कागज़ वाली तो झंडियाँ हर जगह ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये प्लास्टिक वाली झंडियाँ हैं। अब ये देखते हैं ये कितने रुपये की है। ये कितने की है? 40 की है। 40 का ईच जी। कितनी है इसमें? 10 होती हैं, पूरी लड़ी होती है। 10 है। ये 60 की है। अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ आगे। मुझे असल में धागे वो कागज़ वाली चाहिए जी। देखने को यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ें मिल रही हैं। हाँ हाँ, ये यहाँ से ही लिया। चलिए, जनाब यहाँ पे भी जो है कागज़ वाली झंडियाँ नहीं मिली हमें, और प्लास्टिक वाली भी देखें कितनी कॉस्टली मिल रही हैं। अहमद, प्लास्टिक वाली भी कितनी कॉस्टली मिल रही है ना। चले, अब ये दूसरे स्टॉल पर आए हैं। अब ये हम चौथे स्टॉल पर आए, यहाँ पे भी कागज़ वाली झंडियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बस ये कुछ ही पड़ी हुई हैं। ये क्या इतनी इतनी सी झंडियाँ निकाल दी लोगों ने यार? हाँ, झंडियाँ इतनी इतनी सी। ये शॉपकीपर है। चलो, अब एक वो सामने एक और स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ जाते हैं। भैया अहमद, कागज़ वाली तो झंडियाँ मिल रही नहीं है। हाँ भाई, एक मुझे तो इतनी महंगी 600। क्या? एक मुझे तो इतनी महंगी 600। एक ही जगह मिली, वो भी 600 रुपए की। बताएं ज़रा अब आप कि हम घर सजाएं तो कैसे सजाएं? वो तो देखें। अब एक आया है पांचवा स्टॉल, अब यहाँ देखते हैं पांचवे स्टॉल पे क्या बोलता है। मत मिलेंगी नहीं मिलेंगी? नहीं, नहीं मिलेंगी। अरे यार, अहमद ने पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगी। अब यहाँ देखते हैं, अब इधर हमें एक जगह मिली है, तो ये 50 रुपए बताए थे इसके, जनाब ने अब 20 रुपए, वो 40 रुपए कह रहे हैं। और ये बलून क्या है, कितने का है? 10 रुपए का, 20 रुपए की जोड़ी दे रहे हैं। कितने का एक है? 10 रुपए का है, एक दे रहे जोड़ी दे रहे। अच्छा, जोड़ी दे रहे हो, चलो लेता हूँ। ये नित्तो निकाल दो, 100 रुपए के निकाल दो। दोनों कलर में काउंट सेम सेम निकालना। यहाँ से हम बलून लेना है फिलहाल, झंडियाँ तो मिलनी नहीं, बलून से ही हम थोड़ा सजाते हैं। और ये फ्लैग कितने का? अरे यार, मतलब हम पाकिस्तान की आज़ादी का हम अपना घर सजा भी नहीं सकते। चलो जी, अहमद के लिए हम एक ये फ्लैग तो ले रहे हैं। और अहमद का क्या रिएक्शन था?
फ्लैग ले लो। पता है ये फ्लैग 200 रुपये का मिल रहा है, इतना सा, और ये 900 रुपये बोल रहे हैं इस फ्लैग के। कहाँ जाएगी हमारी आवाम, समझ नहीं आता। पबजी लग रहा है। ये दो और कस्टमर आए यहाँ पे, पबजी बना दिया बेटा पाकिस्तान को अब सबने। अहमद ने ये फ्लैग बाय कर दिया है, इनको अब किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ बलून से और फ्लैग से मतलब था, इन्होंने फ्लैग बाय कर लिया। अब हम तो निकले थे झंडियाँ लेने, फिलहाल अहमद ने ये फ्लैग बाय कर लिया और हमने बलून लिए हैं। क्या क्या लिया अहमद? बलून और झंडियाँ। कितनी महंगी मिल रही? 600। खैर अब हम जा रहे हैं स्टॉल नंबर 7 पे, जो के लग रहा है स्टॉल, लेकिन अल्लाह जान, देखते हैं आगे जाके क्या स्टॉल है भी कि नहीं। नहीं जनाब, यहाँ पे स्टॉल नहीं है, ये तो सजा रहे हैं, ये भाई सजा रहे हैं अपनी शॉप को, सजा रहे हैं। ये देखिए ये शॉप सजा रहे हैं। चलें अब दूसरी जगह देखते हैं और भी कहीं स्टॉल लगे हुए हैं या नहीं। पहले ये इस तरह की, जब हम छोटे थे तो इस तरह की झंडियाँ मुश्किल से 100-200 रुपये में पूरा घर सजा देती थी, लेकिन अब इतनी कॉस्टली हैं कि इस दफ़ा घर भी बहुत कम सजे हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये लास्ट स्ट्रीट पर आए हैं, स्टॉल नंबर ये है स्टॉल नंबर 9। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ झंडियाँ नज़र तो आ रही हैं जी, झंडियाँ तो खैर रखी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कितने की हैं, कितने की झंडियाँ भाई। ये अब हम आए स्टॉल नंबर 9 पे, यहाँ पे कुछ झंडियाँ नज़र आई हैं हमें। कितने की हैं भाई? ये 100 रुपये का एक है, सही लगा लो, ज़्यादा लेने यार। 80 रुपये दे दिया स्टॉल ला देंगे पर। चार और नहीं है ये भी। कितने हो जाएंगे इसके? लगाओ बस, चलो यही दे दो जनाब। मिल गई हमें झंडियाँ, मतलब इतनी महंगी हो चुकी हैं अब हर चीज़। चेंज दे दे। निकाल दो यार, ये निकाल लो। 2-3-4 यार, चेंज पूरा ये सारे तो क्या हुआ, पूरा घर सजा देंगे ना। ये ले वाले ये परचेज करिए। अवान की 14 घर की शर्ट है। हाँ, अवान की 14 घर की शर्ट है। अबान की हाँ है, 450। नहीं नहीं है, खुले ले लें। अच्छा 450 की मिली है ये सारी झंडियाँ। अब देखते हैं घर सजा के। चलिए अच्छा जी, हमने झंडियाँ वगैरह बाय कर ली हैं। अहमद दिखाइए झंडियाँ और फ्लैग, झंडियाँ फ्लैग और बलून बाय करें हमने। 250 के फ्लैग और बलून आए और 450 की आई हैं झंडियाँ। तो जनाब अब अहमद क्या करेंगे घर को? सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे।
डेकोरेट करेंगे। अब हम घर जाके सजाएंगे, डेकोरेट होते हैं। मिलते हैं फिर थोड़ी सी सजाते वक्त कि हम कैसे सजाते हैं घर को और किस तरह सजाते हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम घर जाके। अल्लाह फिर घर जाने के बाद क्या है मत? काम तो 14 घर का करती हूँ और आराम से सो जाती है। अहमद कह रहे 14 घर का कोई काम तो करती नहीं है, आराम से सो गई है जान। ऐसे ये मस्त हो के सो रही है, ये देखें। चलें जी अहमद, हम दोनों ही कुछ करते हैं फिर है? गर्मी में कैसे करेंगे? यहाँ थोड़ी बाहर करेंगे। और मजे की बात, मदिया साहिबा फैन ऑफ करके सो रही हैं, ये देखिए फैन भी ऑफ है, अभी अहमद ने ऑन किया। हम लोग अभी घर आए हैं और ये अहमद। हम लोग घर आए तो हमने घर आके क्या देखा? मम्मा सो रही है। मम्मा सो रही है, ये देखिए। और इस वक्त बज रहे हैं 6 और ये उठी हैं 3 बजे। 3 बजे उठ के फिर से सो गई। अब इनको कैसे उठाएं अहमद? मैं तो कहती हूँ जानू बोल के उठा रहे। अहमद बोल रहे हैं कि मम्मा को प्यार से उठाते हैं जानू बोल के। जानू, ए जानू। ये तो बड़ी गहरी नींद में सो रही है भाई। ऐता जानू, जानू हटो ना प्लीज यार, सोने देना, सोने दर्द हो रहा है, लाइट ऑफ करें। वालेकुम। तो हम लोग घर बना सजाने की तो वीडियो नहीं बना सके क्योंकि मदिया सो रही थी। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि हमने किस तरह से परचेजिंग करी और कितनी महंगाई थी। जो झंडियाँ हमें हमारे वक्त में इतने रुपए में इतनी मिलती थी कि हम पूरा घर सजा सकते थे, और अब 450 रुपये में इतनी मिली है कि सिर्फ और सिर्फ गैलरी सजी है बस, और कुछ भी नहीं सजा। महंगाई इतनी हो गई है तो इस वजह से लोगों ने घर वगैरह भी नहीं सजाए ज़्यादा। ये हमारे साहबदादे को देखिए कैसे, ये इनका बस चले स्विच बोर्ड है, ये इसको किसी तरह पकड़ लें बस, है ना? तो इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट व्लॉग दोबारा बनाएंगे, आइंदा कुछ परचेजिंग पे निकलेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह की वीडियोस भी बनाना स्टार्ट करूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और हर वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।